अन्ना इडली अगर आपके पास ड्रोन रहता तो भी कोई काम करना है, क्योंकि यहाँ ड्रोन उड़ाना सख्त मना है। जो शाम के यात्रा में अरे निकलते हैं इसका अंदर, अच्छा 1 2 3 4 चक्का। तो नमस्कार मेरे माताओं बहनों, तो अभी मैं हूँ रंगा स्वामी टेम्पल में और ये पड़ता है तमिलनाडु में। तो यह मंदिर रंगा स्वामी को ही समर्पित है। रंगा स्वामी भगवान विष्णु की अवतार माना जाता है। इस मंदिर में सिर्फ हिंदू के अलावा अदर कास्ट अदर धर्म के लोग नहीं जा सकते। तो यह मंदिर कहाँ है, तो यह मंदिर तमिलनाडु में है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो तमिलनाडु आइए और अपना फ़ोन निकालिए, फ़ोन में गूगल से रंगास्वामी टेम्पल सर्च मारिए और पूरा डिटेल आ जाएगा। मुझे बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो आराम से आप लोग पहुँच जाइए। तो अभी मैं जा रहा हूँ भोजन करने के लिए, क्योंकि शाम के बज चुका है 3 और मैं इस टाइम निकला हूँ। करने के बाद मैं मंदिर में इंटर करूँगा और जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैं घूमूँगा और आप सभी को घुमाऊँगा। तो ये रहा मेन गेट, मैं दिखाने वाला हूँ एशिया के सबसे बड़ा गेट जो 236 फीट का है। और ये गेट आप सभी फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन आज मैं अपने आँखों से देखा हूँ और काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी बड़ा है, देख सकते हैं। और ये गेट है ना, वो 13 तल्ला का है और एशिया का सबसे बड़ा गेट है। तो चलते हैं, ये है फर्स्ट मंदिर। अगर आप आएंगे यहाँ तो फर्स्ट में मिलेगा ये गेट। इसके आने के बाद 3 गेट पार करने के बाद चौथा गेट में भगवान, इधर नकाशियाँ कुछ इस तरह है। और इस गेट का नाम है गोपुरम, और ऐसा मिथ है कि इस गेट के ऊपर से श्रीलंका का गेट को देखा जा सकता है किनारा का, ऐसा मिथ है। और आसपास कुछ इस तरह है। सबसे पहले कुछ खाने के लिए ढूंढता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि भूख लगा हुआ है, सुबह से मैं नाश्ता किया हूँ बस। इधर तो ये सब पापड़ी है। अन्ना इडली ₹5 ₹5 ₹1 तो अभी मैं खाने वाला हूँ पुलाव, और ₹40 का 1 प्लेट है। और यहाँ पर ट्रेडिशनल है कि आपको प्लेट में नहीं मिलेगा, प्लेट मिलेगा लेकिन प्लेट के ऊपर केला का पत्ता होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ शुद्ध मानते हैं। आ चुका है पुलाव और प्याज, प्याज मिर्ची और चावल फ्राई है, जिस तरह हम लोग गाँव में खाते हैं ना, बासी भात को फ्राई कर दो लहसुन से डाल दो, उसी तरह से खाना खा रहा था। अभी बारिश होना स्टार्ट हो गया, अब मेरा कपड़ा था वो बाहर रखा हुआ था, भीग जाएगा। अभी जरा खिचड़ी लगाई हूँ, खिचड़ी वो भी 20 रुपये का है। अच्छा, पहला गेट, दूसरा गेट, ये तीसरा गेट हो रहा, और बीच में 11 गेट है छोटा सा। अभी तो बारिश हो रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, तो चलते हैं हम मंदिर में भी घूमना है अंदर, काफ़ी बड़ा मंदिर है, देखते जहाँ तक घूम पाएंगे वहाँ तक घूमेंगे और उसके बाद फिर हो जाएगा। और ये रहा चौथा गेट, और इसके अंदर कैमरा लेके जाना अलाउ नहीं है, ना बैग। उसके लिए अगर आप आते हैं, अगर आप रूम नहीं लेना चाहते हैं, एक दिन के लिए आते हैं, तो आप अपना सामान मंदिर के बाजू में एक काउंटर है,
वहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। ये रहा गेट और यहाँ पर है काउंटर, आप यहाँ पर जूता हो बैग हो जमा करा सकते हैं, सिर्फ 5 रुपये लगेगा और रात 9 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद क्लोज बंद। और ये रहा रथ, रथ यात्रा जो साथ बंद रहा है और फरवरी में निकलेगा ये रथ, जनवरी है, अगर हम फरवरी में आते तो साथ इस रथ यात्रा में देख लेता। और प्योर लोहा का इसका अंदर, अच्छा 1 2 3 4 चक्का भाई, लकड़ी का है बीच में, अद्भुत। मंदिर के सामने आपको एटीएम भी मिल जाएगा और पैसा निकालने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, और प्लस में पानी पीने के लिए सुविधा है और शौचालय की भी सुविधा है, बस सामने सामने मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और रूम भी मिल जाएगा आप सभी को, अगर आप आश्रम में नहीं सोना चाहते तो आपको रूम भी मिल जाएगा। और यहाँ पर 2 आश्रम है और उस आश्रम का नाम मैं रूम में जाऊँगा तो बता दूँगा, मैं भूल चुका हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पर गजानन जो शाम का यात्रा में अरे निकलते हैं, ये इंटर करेंगे, वैसे ही इधर सामान मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा और बर्तन भी मिल जाएगा इधर, और कुछ इस तरह आसपास है, उधर भी पूरा सामान मिलता है, उधर क्या क्या पता नहीं कि अंदर भी, मतलब कि अंदर भी मार्केटिंग चलता है। इधर लेडीज़ के लिए, इधर भी लेडीज़ के लिए, रंगा स्वामी टेंपल में इंटर कर चुका हूँ और भगवान विष्णु से आशीर्वाद भी ले लिया। और यह मंदिर 156 एकड़ में है, अगर आप आते हैं, अगर पैदल नहीं घूम सकते हैं तो यहाँ पर मंदिर के अंदर इधर टोटो रखा गया है, आपके पास पैसा है टोटो से घूम सकते हैं। और सुबह खुलती है जो मंदिर कपाट खुलती है, समय 6:45 से 8 बजे तक, 8 बजे से फिर खुलती है वो पूजा, 6 से 8 के बीच में पूजा रहता है, 8 बजे से आप जा सकते हैं, 1:30 से 5 बजे तक, 5 से फिर बंद, 2 घंटा क्लोज रहता है, 2 घंटे के बाद फिर 12:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है। तो चलते हैं घूमते हैं कुछ, इस वीडियो छुप छुप के बनाना पड़ रहा है क्योंकि अलाउ नहीं है, तो मंदिर के अंदर आप अगर बाहर से प्रसाद लेके नहीं आते हैं तो अंदर ही मिल जाएगा इधर प्रसाद। तो अभी मैं फ्री लाइन दर्शन में घुसा हूँ और वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो अभी मैं छुपके छुपके बना रहा हूँ। तो अभी ना दर्शन करके आ चुका हूँ भगवान विष्णु के, और अंदर कैसा रहा, किस तरह है, कितना टाइम लगा तो मैं बाहर जा के बताऊँगा, अभी मैं वीडियो अलाउ नहीं है, लेकिन नीचे बैठ कर और कैमरा अपनी तरफ करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस तरह है, मेन गर्भगृह भगवान का इधर है, हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो ठीक है बाहर चलते हैं। तो अभी ना मैं प्रसाद लिया हूँ और ये रहा 15 रुपये का, और बाहर बारिश जोरदार बारिश हो रहा है इधर पूरा, और जितने भी श्रद्धालु आए थे वो मंदिर के अंदर ही बैठे हुए हैं क्योंकि बाहर जाएगा तो भीग जाएंगे। तो अभी मैं जस्ट भगवान रंगनाथ स्वामी जो भगवान विष्णु का अवतार है, अभी मैं दर्शन करके आया, और जैसे आप इंटर करेंगे अंदर तो प्रसाद मिल जाएगा, और दूसरा आपके पास पैसा नहीं है एटीएम है तो एटीएम भी अंदर मिल जाएगा, और जैसे ही पहला गेट आप पार करेंगे आपको पीने के लिए पानी बेचता है और पंखा ऑलरेडी सब कुछ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे भी मेन 2 गेट है, 2 गेट पार करने के बाद ही आप भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं। तो एक गेट है पूरा चांदी का बनाया गया है और दूसरा गेट भी पूरा चांदी का है, और नीचे पीतल का है या सोना का है मुझे पता नहीं, लेकिन पीतल भी जैसा लग रहा था देखने में और सोना जैसा। और भगवान जो विष्णु हैं वो लेटे हुए हैं और हाथ पर जिस तरह आप इधर हाथ पर सिर रख के लेटे हुए रहते हैं इस तरह से अंदर में है, और लगभग 10 12 10
12 फीट के होंगे भगवान, और ब्लैक कलर के हैं पूरा, और काफ़ी श्रद्धालु थे और काफ़ी श्रद्धालु आए थे दर्शन किए, और अभी कम हो चुके हैं क्योंकि बारिश हो रहा था। तो अपने अपने बचाव के लिए बारिश से ना भीगने के चलते अपने अपने स्थान पर ही रुक चुके। अगर अभी मैं जाता तो टेंशन नहीं रहता दर्शन करने के लिए, काफ़ी वेट नहीं करना पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं, वेट ही सही, लेकिन दिल से दर्शन हुआ और दिल से दर्शन हुए और मन शांति। आप सभी के आशीर्वाद और सुख शांति, आप सभी रहें, खुश रहें, और बस मैं क्या बोलूँ। और मुझे दर्शन करने में लगा 45 मिनट। मंदिर के अंदर कुछ इस तरह डेकोरेशन किया गया है, इधर तार का पेड़ लगाया गया है और इधर क्या चीज़ का पेड़ है मुझे नहीं पता, अमरूद का है, और काफ़ी बड़ा प्लांटिंग किया गया है, और जो बारिश अभी हुआ ना इससे और खूबसूरती बढ़ चुका है। अगर आपके पास ड्रोन रहता तो भी कोई काम करना है, क्योंकि यहाँ ड्रोन उड़ाना सख्त मना है। आपका अगर आप मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं वहाँ तक सही है थोड़ा मोड़ा, लेकिन ड्रोन उड़ा दिए तो आप जेल भी जा सकते हैं। वरना इधर पानी पीने का व्यवस्था है इधर भी, और 6 बजे यहाँ पर भोजन स्टार्ट हो जाता है। तो अभी 5:30 बजे है, आधा घंटा वेट करेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद आराम से रूम चले जाएंगे और वीडियो एडिट करेंगे। सबसे पहले आसपास घूमेंगे, उसके बाद ही रूम जाएंगे, क्योंकि आज लास्ट डे है यहाँ पर, कल कहीं और। एक चीज़ और आपसे को बताना भूल गया, अगर आप मंदिर में आते हैं तो आप कितने ही अमीर हैं लेकिन आप भगवान विष्णु को टच नहीं कर सकते, आप कितने ही धनवान हैं, सिर्फ यहाँ के पुजारी ही भगवान को सेवा करते हैं और टच कर सकते हैं, उनके अलावा किसी को आदेश नहीं है। और आप सभी को सोना चांदी देखना है ना, और हीरा भी, तो आ जाना इधर, बहुत मिलेगा देखने के लिए, लेकिन देखने के लिए मिलेगा, रखने के लिए नहीं, देखने के लिए। तो आ चुका हूँ भजन करने के लिए, साल में यहाँ से निकल जाता है और साल बच चुका है और 9 बजे यात्रा समाप्त होता है। और ये यात्रा देखने के लिए, भगवान बजरंगबली के दर्शन करने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, और यहाँ से लाइव वीडियो भी चलता है, भजन भी आ गए। यात्रा स्टार्ट होने से पहले बारिश होना शुरू हो गया और काफ़ी भयानक बारिश आ चुकी है, देख सकते हैं पूरा। और हम भी मंदिर में ही रुके हुए हैं, और बारिश शाम 5 बजे से स्टार्ट हुआ था और अभी तक भी अभी स्टार्ट फिर हो गया, बंद हो गया था फिर स्टार्ट हो गया, मेरा कपड़ा पूरा गीला हो चुका होगा, हो गया, हो चुका नहीं, हो गया।
कल मैं सोच रहा था कि भगवान विष्णु का यात्रा है, लेकिन आज मैं यहाँ भजन किया इसके बाद आया पता चला कि यहीं से यात्रा निकलता है। तो मैं सामने से देखा तो पता चला कि बजरंग बली का यात्रा है। तो अभी बारिश बंद हो चुका है और मैं आ चुका हूँ बाहर और पूरा पानी भर चुका है इधर मंदिर के सामने। और मैं कुछ खाने के लिए लेता हूँ और यहाँ पर दूध मिलता है 15 रुपये गिलास, तो मैं एक गिलास पी लूँगा क्योंकि कल से राइडिंग स्टार्ट। वन पैकेट है ना खजूरा 140। मैं जा रहा हूँ अपना रूम, रूम नहीं जहाँ मैं रह रहा हूँ आज भर। ओ ओ ओ ब्रदर नो